एसएनसी पिस्टल से फायरिंग कर किसान ट्रैक्टर रैली को रवाना करना एक पूर्व प्रधान को महंगा पड़ गया है। सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद इसे तत्काल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और प्रधान के खिलाफ कड़ी धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। प्रधान ने ट्रैक्टर किसान परेड को कुछ इस तरह से फायरिंग कर रवाना किया था। पूर्व प्रधान रईस अंसारी के 5 राउंड की फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार कर प्रधान को थाने ले आई है। पुलिस द्वारा गहनता से पूछताछ व जांच की जा रही है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र के गांव जीतपुर निवासी रईस अंसारी ने अपनी ही पिस्टल से 5 राउंड फायरिंग कर ट्रैक्टर रैली को रवाना किया था। 5 राउंड का फायरिंग का वीडियो वायरल होने पर SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि बिजनौर में 5 राउंड फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसकी जाँच पड़ताल करने पर पता चला कि यह वीडियो नगीना थाना क्षेत्र के जीतपुर का है। जीतपुर निवासी रईस अंसारी पूर्व प्रधान ने फायरिंग की थी, जबकि जनपद स्तर मीटिंग में सभी को सूचित किया गया था कि कोई भी ट्रैक्टर तहसील तक नहीं जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर काफी जिम्मेदारियां थी, इसलिए सभी को मना किया गया था। कुछ लोगों ने इसका पालन भी किया, पर पूर्व प्रधान रईस अंसारी ने इसका उल्लंघन किया है। रईस अंसारी पूर्व प्रधान उनके पिस्टल व कार को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। बिजनौर में फायरिंग करते समय एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ। जाँच पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि नगीना थाने के जीतपुर गाँव का रईस प्रधान है, जो लाइसेंसी पिस्टल धारक है। इसके पास बोलेरो गाड़ी है। ट्रैक्टर रवाना करते समय इसने फायरिंग किया था। यद्यपि जनपद स्तर की मीटिंग में सबको आगाह किया गया था कि तहसील तक कोई भी ट्रैक्टर नहीं जाएगा, क्योंकि गणतंत्र दिवस है, तमाम ड्यूटियां हैं, तमाम कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। अधिकांश लोगों ने इसका पालन किया, लेकिन उसने उस आदेश का और 144 का उल्लंघन किया, इसलिए इसके खिलाफ 307 IPC जो फायरिंग किया था, 144 का उल्लंघन, 188, 30 आर्मशिफ्ट और महामारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसको मैं पिस्टल बोलेरो गाड़ी को नगीना पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इसके साथी कौन कौन थे, कौन कौन इसके पीछे थे, पूछताछ करके उनको भी वांछित करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की।